नमस्कार, मैं हूं शिखा सिंह और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जीएन भारत में रांची के जो भी अपडेट्स हैं वो तो हम आपको देते ही आ रहे हैं, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि हम राजभवन के समीप धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और झारखंड में आज जो शिक्षा का व्यवस्था है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। खुद जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री है हमारे राज्य के, वो 8वीं पास है। तो ये बहुत विडम्बना है कि आप 8वीं पास होकर स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन ये भी एक विडम्बना है कि आप नीट जैसा, जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है नीट, प्रोफेसर्स के लिए कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो होता है एग्ज़ाम नीट, उसको क्वालिफाई करके ही आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आप दो बार नेशनल लेवल का नीट क्वालिफाई करके भी आप पढ़ा नहीं सकते, आप किसी कॉलेज में आवेदन नहीं दे सकते, आपको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे झारखंड के, वैसे तो पूरे भारत की कहेंगे, लेकिन फिलहाल कहेंगे झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है इस पर यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतने बड़े अगर कंपटीशन में क्वालिफाई करके भी अगर नौकरी ना मिले तो फिर क्या कहना, फिर यूथ कहाँ जाएगा, फिर यंग इंडिया जो है, जो आजकल के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं टफेस्ट कॉम्पिटिशन का। आपको पता है एक सरकारी कॉम्पिटिशन निकालने में एक पूरी जवानी निकल जाती है, लेकिन पूरी जवानी निकलने के बाद भी अगर आपको नौकरी ना लगे तो सिर्फ यूथ का भारत का विकास ही नहीं बल्कि एक यूथ पर्सनल लेवल पे डिप्रेशन में जाएगा, सोसाइटी पे जाएगा, कहीं ना कहीं सोसाइटी के हारमोनी के लिए भी ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम ऐसे ही बैठे हुए युवक जो पिछले 2 महीने से राजभवन के समीप में वो धरना दिए हुए हैं, इनका नाम है राजेश। ये पिछले 40 दिनों से धरना दिए हुए, दो बार नीट क्वालिफाइड है और अभी कुछ दिन पहले ये बहुत बीमार पड़ गए थे। बीमार इतना पड़ गए थे कि खाना खाना मुश्किल हुआ था, रोड पर बैठ के उन्होंने खाना खाया, दवाई खाया, खुद ठीक हुए। तब इनको जब इतने बीमार पड़ गए तो इनकी मांग को सुनने के बजाय इनको धरना तोड़ने का धमकी दिया जा रहा है, इन्हों कहा जा रहा है कि अब धरना तोड़ दीजिए। और ऐसी बातें कुछ मीडियाकर्मी इनको फ़ोन करें, सबसे विडम्बना है कि मीडिया जो है वो चौथा पिलर होता है, चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, और वही इनको फ़ोन करके झूठी खबर कर रहा है कि आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये राजभवन की तरफ से भिजवा दिया गया है, आप धरना तोड़ दीजिए। और जब ये अपना अकाउंट अप टू डेट कराने जाते हैं तो उसमें पैसा 1,00,000 नहीं होता। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया का भी रोल यहाँ पे सामने आ रहा है। हम इनसे बात करेंगे, ऐसा कुछ बातें हुई थी कि 1,00,000 आपके अकाउंट में, क्या पूरा मामला क्या है, ये पैसे वाला क्या मामला है? देखिए, मुझे बहुत दुख के साथ ये चीज़ बोलना पड़ रहा है कि मीडिया कर्मी जो कि समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, आजकल लोग तो बोलते हैं कि ये चौथा पिलर है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये चौथा पिलर नहीं, ये पहला पिलर है, पहला रोल अदा करते हैं समाज को आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में, और उनके द्वारा यदि इस तरह के मैसेज दिए जाते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के लिए, देश के लिए, और मेरे लिए तो है ही, मैं दिव्यांग हूँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, 70% दिव्यांग हूँ। एक साल तक मैंने आपको फ़ोन किसने किया था, ऐसा कुछ पता चला आपको? क्या कहा था फ़ोन करके? मुझे कुछ लोगों द्वारा फ़ोन करके बोला गया कि आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया गया है, आप धरना समाप्त कर दीजिए, और मुझे राजभवन की ओर से भी ये बोला गया कि आप धरना समाप्त कर दीजिए, बहुत बार ये चीज़ बोला गया है, और तरह तरह के लोग मेरे पास आते हैं धरना। ये नहीं कहा कि आप मेरी मांग को पूरा कर लीजिए, धरना समाप्त कर देंगे हम? मैं तो बोलता हूँ, लेकिन वे लोग तरह तरह से मुझे यहाँ से उठाने का प्रयास करते हैं, बहुत तरह से वे लोग मुझे प्रताड़ित भी करते हैं, बहुत तरह से मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से मेरा धरना को समाप्त करने का वे लोग भरसक प्रयास करते हैं कि आप धरना समाप्त कर दीजिए। लेकिन मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं धरना तभी समाप्त करूंगा जब मेरी मांग को पूरा, मेरा मांग को माना जाएगा, मेरा मांग पूरा होगा। जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा मैं धरना समाप्त नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितना दिन ही यहां बैठना पड़े, मैं अंतिम सांस तक मैं धरना पर बैठा रहूंगा जब तक मेरा मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। एक बात बताइए, अगर मतलब जीना मरना सब यहीं पर? हाँ, मैं दृढ़ निश्चय कर लिया हूँ कि मेरा मांग जब तक पूरा नहीं होगा मैं धरना स्थल पर ही। दो बार नेट क्वालिफाई किया आपने? हाँ, मैं दो बार नेट क्वालिफाई किया हूँ। ये आपको सुन के बहुत दुख लगेगा कि राज्य का स्थिति आज क्या है। मुझे लगता है कि मेरा जन्म झारखंड में होने के वजह से इस तरह का समस्या मैं फेस कर रहा हूँ। यदि दूसरे स्टेट में रहता तो मुझे बहुत अधिक मुझे वहाँ सम्मान देते और मुझे रखते। आप जैसे बहुत सारे दिव्यांग जो सपना देखते हैं कॉलेज में पढ़ाने का, ऊंचे पद पर जाने का, आपको लगता है उनका भी हौसला टूटेगा आपको देखकर? सिर्फ दिव्यांगों का नहीं,
जो भी बड़ा बनने चाहते हैं, गरीब का जो बच्चा है वो आगे यदि बढ़ना चाहते हैं तो वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये प्रमाण है, मुझे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हालत में मैंने 2 बार नेट पास किया और अर्थशास्त्र विषय वैसे बहुत ही टफ है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इसके बावजूद भी मैंने 2 बार नेट अर्थशास्त्र विषय से पास किया हूँ। और मैं शुरू से ही, मुझे बहुत अच्छा बनने का सपना था कि मैं एक अच्छा प्रोफेसर बनूंगा, अर्थशास्त्र का प्रोफेसर बनूंगा, एक देश का हम आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। मैं एक मेरा सपना तो मेरा नहीं टूटा है, मैं सपना मेरा अभी भी बरकरार है कि मैं एक अच्छा उम्मीद है और उम्मीद है और मैं अंतिम क्षण तक लड़ता रहूँगा। मैं देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा, अपनी नॉलेज से, अपनी ज्ञान से मैं आर्थिक विचारधारा को जिस तरह से देश डेवलप करे, मैं उस चीज़ को तो आपने सुना कि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनके जैसे बहुत दिव्यांग है, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि झारखंड में भी, जो ये सपना देखते हैं बड़े बड़े ओहदे पर पाने का और बहुत कठिन परिश्रम करके कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि आरक्षण है, बहुत सारी फैसिलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार ने SC SC वर्ग को आरक्षण दे रखा है, इसके साथ ही ऐसे लोगों को सहायता मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं, जब रिजल्ट सामने आते हैं, जब आपको रोड में बैठना पड़े इतने बड़े कॉम्पिटिशन निकाल के, और जब राजभवन से इस तरह की खबरें आए कि आपको 1 लाख दिया गया, धरना तोड़ दो, तो अपने आप में ये लोकतंत्र यानी राइट टू प्रोटेस्ट, जो हमारे संविधान में अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट का भी अधिकार एक तरह से देखा जाए तो छीन लिया जाता है, आपको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में कोई एक ऑपोजिट संदेश जाता है, गलत संदेश जाता है। इसका निर्णय तो खैर जनता लेगी, जनता को हमने दिखा दिया, जनता जजमेंट करेगी क्या सही है क्या गलत, हमें तो सिर्फ सच दिखाना था। और जीएन भारत, गणतंत्र भारत हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए और साथ ही हेमंत सोरेन, CM हेमंत सोरेन, निशिकांत दुबे, पूजा सिंघल के अपडेट के लिए आप लगातार बने रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।